निकला बाद में भी नारियल भी देखिए, नारियल देखिए, नारियल विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे मकानों के ध्वस्तीकरण के बीच आज लंका थाना क्षेत्र के रोहित नगर में कुछ मलबा सामने आया है। आप सामने देख सकते हैं किस तरह से ये जो मलबा फेंका गया था उसमें भगवान शंकर की पिंडकी और जो नंदी है उसके अवशेष मिले हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा है वहीं पर जो मंदिरों को और जो बाकी घरों को तोड़ा जा रहा है उनमें जो अवशेष हैं उनका मलबा यहाँ पर लाकर डंप किया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। फिलहाल इस पूरे संदर्भ में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमारी जो मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह से बात हुई है उसमें उनका कहना है कि ये मलबा फिलहाल विश्वनाथ कॉरिडोर से निकला हुआ नहीं है, ये कहीं और से लाकर यहाँ फेंका गया है और यह जांच का विषय है कि किसने फेंका। फिलहाल मंदिर प्रशासन ने इस पूरे मामले में अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और उन्होंने कहा है कि ये मलबा विश्वनाथ कॉरिडोर से निकला हुआ मलबा नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो बात की बात है, क्योंकि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी यहाँ पर आ गए हैं। स्वामी जी, जिस तरह से बातें सामने आई, हमने विशाल सिंह जी से बात की, सीईओ जो विश्वनाथ मंदिर के हैं, उन्होंने कहा ये मलबा विश्वनाथ कॉरिडोर का मलबा नहीं है, कहीं और से लाकर यहाँ फेंका गया है। तो उनको और उन्हीं के साथ वाराणसी के जिला प्रशासन को ये बताना होगा हम जनता को कि अगर वहाँ का मलबा नहीं है तो ये कहाँ का मलबा है, जहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर शिवलिंग स्थापित हैं, मंदिर हैं और मंदिरों के अवशेष और मूर्तियाँ वो तोड़ी जा रही हैं। ये तो वाराणसी में दूसरी कोई जगह तो ऐसी है नहीं जहाँ इतने संख्या में शिवलिंग हो, वो तो काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र ही है जहाँ पर कण कण के शंकर हैं। तो ने ये कार्य किया है और जो लोग कर रहे हैं उनके उनके सम्मुख बात तो रखनी ही पड़ेगी। जो लोग कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे वो लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, कितने बड़े दुख का विषय है हम 100 करोड़ सनातन धर्मियों के लिए। तो लेकिन हमारा इतिहास यही बताता है कि जब जब हमारे यहाँ का राजा स्वयं को भगवान घोषित करता है तब तक उसका बुरा पतन होता है। हमने ये भी मांग की है कि ये जो मलबा है इसको तुरंत सुरक्षित कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए, क्योंकि मलबे की जांच से पता चलेगा कि ये किस भवन का है, क्योंकि इसमें न केवल मूर्तियां नहीं है, इसमें पिलर्स हैं, इसमें पटिया है, इसमें फर्श के पत्थर हैं, तो इसी से पता चल जाएगा कि ये किस जगह की मूर्ति, इसलिए इस मलबे को प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से आया। फिलहाल स्वामी जी का कहना है कि जो ये मलबा यहाँ पड़ा हुआ उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए, प्रशासन से उन्होंने मांग भी की है कि इसको पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी कोई भी सामने नहीं आ रहा है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मुख्य जो कार्यपालक अधिकारी हैं विशाल सिंह, उन्होंने मैसेज के जरिए हमसे बात की है और उन्होंने यह साफ किया है कि फिलहाल ये मलबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में चल रहे निर्माण कार्य का नहीं है, लेकिन सवाल यही उठता है अगर ये मलबा वहाँ का नहीं है तो इतनी बड़ी संख्या में शिवलिंग कहाँ से निकल सकती है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।